जेहलम के किनारे और जरनैली सड़क के ऊपर वाके जेहलम पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीखी शहर है। जिला जेहलम के शुमाल मगरिब की जानिब जिला रावलपिंडी और शुमाल मशरक की तरफ जिला मीरपुर आजाद कश्मीर वाके है, जबकि मशरक की तरफ जिला गुजरात, जुनूब मशरक की तरफ जिला मंडी बहाउद्दीन, जुनूब की तरफ जिला सरगोधा, जुनूब मगरिब की तरफ जिला खुशाब और मगरिब की जानिब चकवाल का इलाका है। जेहलम शहर के नाम के बारे में मौरखीन की मुख्तलिफ आरा है। एक राय यह है कि जेहलम का नाम पहले जल हम था, जल का मतलब पानी और हम का मतलब ठंडा और मीठा, यानी ठंडे और मीठे पानी की जगह। जलहम संस्कृत जुबान का लफ्ज है। दूसरी रवायत यह है कि जब सिकंदर आजम अपनी फतह के झंडे गाड़ता हुआ दरियाए जेहलम के किनारे वाके इस शहर में पहुंचा तो उसने अपना परचम यहाँ नस्ब किया और इसे जाए अलम यानी परचम की जगह करार दिया। यही सिकंदर की राजा पोरस के दरमियान तारीखी जंग भी हुई थी। जेहलम के कंटोनमेंट के इलाके में वाके सेंट जॉन्स चर्च की बुनियाद 7 फरवरी 1857 को रखी गई और 1860 में इसकी तामीर मुकम्मल होने पर उस वक्त के बिशप ऑफ मद्रास ने इसकी तकदीस की। सेंट जॉन्स चर्च जेहलम एक प्रोटेस्टेंट और एंग्लिकन चर्च है जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के मातहत काम करता है। ये चर्च जेहलम शहर की पहचान और तारीखी निशान भी है। बरतानवी नौ आबादियाती दौर में ये चर्च बहुत ज्यादा फाल था, मगर तकसीम पाको हिंद के बाद तकरीबन 40 साल तक ये बंद रहा। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी तज़ईन व आराइश करवा कर इसे दोबारा खुदा की इबादत के लिए खोल दिया। अब इस चर्च में हर संडे को बाकायदगी से सर्विस मुनक्द होती है। सेंट जॉन्स चर्च जेहलम को बरतानवी राज में अंग्रेज हुकूमत ने कैंट में रिहाइश पजीर फौजियों की सहूलत के लिए बनवाया था। इस पर सालाना बुनियादों पर रंग रोगन किया जाता है और क्रिसमस की मरकजी तकरीबात भी यहाँ मुनक्द होती हैं। सेंट जॉन्स चर्च जेहलम न्यू गोथिक और फ्रांसीसी तर्ज तामीर के अनोखे इम्तजाज का शाहकार है। ये चर्च ना सिर्फ अपने अहद का अक्कास है बल्कि अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी इंतहाई कशिश का बाइस है। 1849 में सिखों के बाकी इलाकों के साथ जेहलम का इलाका भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ताहम रंजीत सिंह ने यहाँ आबाद कबाइल को अपना ऐसा वफादार बना रखा था कि अंग्रेज सरकार को उन्हें अपने ताबे करने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। 1857 में जेहलम शहर में तैनात मकामी इन्फेंट्री ने बगावत कर दी, लिहाजा उनको गैर मुसल्ला करने के लिए रावलपिंडी से फोर्स भी भेजी गई, जिसके खिलाफ मकामी इन्फेंट्री ने भरपूर मुजाहमत की और अपना पूरी तरह दफा किया। इस मार्के में 7 जुलाई 1857 को 24वें रेजिमेंट के 35 अंग्रेज सिपाही बागियों के हाथों मारे गए, जिनमें कर्नल विलियम स्प्रिंग का बड़ा बेटा कैप्टन फ्रांसिस स्प्रिंग भी शामिल था। लिहाजा सेंट जॉन्स चर्च जेहलम में इन बरतानवी फौजियों की याद में एक खूबसूरत मार्बल का यादगारी कतबा आवेजा किया गया जो जेहलम शहर की बहादुरी और कामयाबियों की एक काबिले फख्र तारीख का गवाह भी है। यूं तो सेंट जॉन्स चर्च में कई कीमती नादिर नायाब तबरकात मौजूद हैं, मगर इन सब में से किताब मुकद्दस का एक 150 साल पुराना एडिशन इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे यहाँ महफूज रखा गया है।
150 साल पुराना एक पियानो भी यहाँ आने वाले इबादत गुजारों और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अकलियतों के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है और यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जना के नज़रिए के मुताबिक अकलियतों को मजहबी आज़ादी और तहफ़ुज हासिल है। सेंट जॉन्स चर्च जेहलम में हर संडे को क्रिश्चियन कम्युनिटी बिला खौफ व खतर अपनी इबादत करती दिखाई देती है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आबाद क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए पूरे तौर पर आज़ाद हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज इस प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाएंगे वो है जेहलम कैंट में वाके सेंट जॉन्स चर्च जेहलम। जेहलम कैंट में मौजूद ये खूबसूरत और तारीखी चर्च ना सिर्फ अपनी तारीख के हवाले से इतना अहम है बल्कि अपने इर्द गिर्द बहुत सारा कुदरती हुस्न भी समेटे हुए है। अगर इस चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो देखते हैं कि ये चर्च न्योगोथिक और फ्रेंच तर्ज तामीर का मिला जुला इम्तजाज है। अगर एरियल व्यू से इस चर्च को देखा जाए तो ये चर्च रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देता है जो कि नॉन क्रॉसी फॉर्म है। इसके अलावा इसके कंपोजिशन मटेरियल की बात की जाए तो इसको बनाने के लिए रेड ब्रेक और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ इनसाइड कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें वुड का इस्तेमाल किया गया। अगर आप लेफ्ट और राइट वरेंडास को देखें जो कि आयल नुमा हैं, चर्च में एंट्री के लिए कॉन्ग्रीगेशन मेन हॉल से एग्जिट हो सकता है और एंट्री भी हो सकता है। मेरा नाम वकार है और मैं पंजाब के शहर सराय अमगीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और सेंट जॉन चर्च में हम लोग अटैच हैं 2011 से और खुदा उनका शुक्र है कि यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, गवर्नमेंट के सेक्टर से, और एजुकेशन सेक्टर में काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और खुदा का शुक्र है कि हमें किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं नज़र आया। और ये रिलीजियस हारमोनी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि स्टेट ने जो है हमें वो बगैर किसी इशू के जो ना हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो अपने इदारों में काम करने का मौका दिया। और क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूँगा तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं और वहाँ पे अभी तक हमें किसी भी किस्म का इशू नहीं हुआ और अच्छे से हमें जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मैं इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने इदारों में काम करने का मौका दिया। मेरा नाम असमय, सेंट जॉन चर्च से मैं बिलोंग करती हूँ और CMH में मैं जॉब करती हूँ एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। वहाँ जैसे कि हम मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं और हमारी किताब मुकद्दस में भी एक आयत है कि तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और मिनोरिटी होते हुए हमें मतलब जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम चर्च में आते हैं वहाँ पर भी हम आज़ादाना तौर पर इबादत करते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती थ्रू द सिक्योरिटी।
मेरा नाम पादरी परवेज अख्तर है। सेंट जॉन चर्च के साथ मुझे 15 साल गुजर गए लाहौर डायसिस के साथ खिदमतगुजारी करते हुए, और ना सिर्फ बतौर पादरी साहब बल्कि एज ए विकर मैं यहाँ पे खिदमतगुजारी कर रहा हूँ। ये एंग्लिकन चर्च है, लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। इस चर्च के साथ 70 फैमिली रिलेटेड हैं। कैंट के अलावा मुख्तलिफ कानूनी से महलों से लोग आते हैं और रू और सच से प्रोसेस करके एंजॉयमेंट करते हैं। इस चर्च में बेसिकली संडे की सर्विस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा चर्च की जितनी फैमिलीज हैं उनके साथ हम गेट टुगेदर के लिए भी इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, जनाजे, खुशियाँ, गमियाँ, सालगिरह, हम ये सारे प्रोग्राम चर्च के बिहाफ पे मैनेज करते हैं। संडे की इबादत के साथ साथ खुदा के घर में होली कम्युनियन की सर्विस ऑर्गेनाइज की जाती है। सेकंड संडे हर महीने हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसके साथ थर्ड संडे जो है स्पेशल बच्चों के बपटाइज किए जाते हैं और उन्हें मसीह खानदान में शामिल किया जाता है। चर्च की जिम्मेदारियों के साथ साथ बतौर आर्मी चैपन भी खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है। हम खुदा के जुम्मे शुक्रगुजार हैं। इसके साथ आर्मी के लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। एवरी मंथ स्पेशल मेल मिलाप हमारा होता है। इसके अलावा सालाना जो हमारी बड़ी तकरीबात हैं उन तकरीबातें ईस्टर है, क्रिसमस है, स्पेशल उनको हम मिलते हैं और उसके साथ वो हमारी सर्विस में भी शामिल होते हैं और अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम मसीह ईमान के साथ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में हम आबाद हैं, हमें आज़ादी है कि हम खुदा के रूम में आ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। पुलिस आती है, खास लेडीज पुलिस भी साथ आती है। कैंट की तरफ से जो सिक्योरिटी ग्रुप के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो आते हैं और हम खुदा के घर में अमन और शांति के साथ दुआ बंदी करके और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं, गवर्नमेंट के लिए, आर्मी के लिए, सब इदारों के लिए जो सिक्योरिटी करते हैं, हम खुदा के जुम्मे में उनके लिए दुआ करते हैं। एवरी सर्विस में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ करें। जब घर में हम बैठे होते हैं अमन और सलामती के साथ, इस जनरेशन में कोई डर खौफ नहीं होता क्योंकि हमारे बार बहन भाई सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। जब अर्थक्विक में टावर डिस्टर्ब हुआ, लाहौर डायसिस ने इस चर्च की मरम्मत के लिए 45 फीट उन्होंने डिमोलिश करके दोबारा उसको रिपेयर करवाया। इसकी छत की फाइबर जो है वो सारी नहीं लगी है। चर्च की सराउंडिंग में इस बात को कवर किया गया कि पानी साथ कर रहा हो। दीवार बड़ी लंबी दीवार थी जो डायसिस की तरफ से रिपेयर की गई। सेंट जॉन चर्च के लिए हम खुदा के जुम्मे शुक्रगुजार हैं, अच्छा कंपाउंड दिया गौरों ने। डिस्कवर पाकिस्तान इदारा जो है खिदमत गुजारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ चर्चों की कार्डिंग के लिए आते हैं। हमेशा खुदा के काम के लिए जो शख्स काम करता है खुदा उसे संभालता है। मेरी दुआ है कि खुदा इनके साथ हो, उनकी हिफाजत करे, निगाहबानी करे, इस तरह बढ़ते रहें और मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। हम मौजूद हैं इस क्लास में और हम मिस्टर शारून से पूछेंगे कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, OTS क्या है और ये कोर्सेज क्या हैं, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। जी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक क्लास का अरेंज किया गया है और इन एडल्ट्स को, इन जवानों को जो है वो हम बाइबल की स्टडी करवाते हैं। तो एक प्रॉपर इदारा है जिसको हम ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी कहते हैं, OTS से इसको जाना जाता है। तो ये जो है वो बच्चों को या जो हमारे एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है वो हम जवान जो होते हैं बाइबल की स्टडी करवाई जाती है। थ्रू आउट 3 इसके जो है वो लेवल्स हैं, यानी कि पहले सर्टिफिकेट लेवल है, देन डिप्लोमा है
और फिर उसके बाद जो है वो डिग्री लेवल आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब डिग्री मुकम्मल करते हैं तब उसको जो है वो प्रॉपर एक BTH यानी कि बैचलर ऑफ थियोलॉजी जो है वो एक डिग्री उसको मिलती है। तो स्टार्ट में जो है वो जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट लेवल है तो इसमें जो है वो सबसे पहली किताब जो है वो भरपूर ज़िंदगी यानी कि अबंडेंट लाइफ, इसमें बाइबल के मुतालिक जो है वो बताया जाता है कि आपने जो है वो किस तरीके से मसीही ज़िंदगी जो भरपूर ज़िंदगी होती है वो किस तरीके से होती है, यानी कि थ्रू आउट आपको बेसिक लाइफ का जो है वो क्रिश्चियन लाइफ मसीही ज़िंदगी या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसको सिखाया जाता है। तो इसी तरीके से आगे भी जो है वो मतलब इसके मज़ीद आगे कोर्सेज बढ़ते जाते हैं सर्टिफिकेट लेवल में। और जैसे ही एक बच्चा जो है वो या एक जो एडल्ट होता है हमारे पास जो जवान है, ठीक है, वो जैसे ही एक कोर्स मुकम्मल करते हैं 12 यानी कि कोर्सेज होते हैं ये मुकम्मल करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर असाइनमेंट के तौर पर उन्होंने आगे मज़ीद एक कोर्स पढ़ाना होता है ताकि वो जो है वो इस काबिल हो सके, यानी कि फिर उनको ट्यूटरशिप का जो है वो एजाज़ मिलता है, यानी कि वो भी फिर आगे जो है वो ट्यूटर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो है ना हम बाइबल की स्टडी, हाँ जी, बाइबल स्टडी करवाते हैं, मसीही तालीम सिखाते हैं हम उनको। तो मैं जो है वो OTS का एक बाकायदा ट्यूटर हूँ और तकरीबन 12 कोर्सेज जो है वो मैं इनको करवा चुका हूँ। थैंक यू सो मच इसने खूबसूरत गुफ्तगु के लिए, थैंक यू, जारी रखिए इसको। थैंक यू सो मच। अभी मैं सेंट जॉन्स चर्च के नॉर्थरिक्स में मौजूद हूँ। नॉर्थरिक्स आपको अमूमन रोमन और बेंजेंटेनियन बेसिलिकाज में दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाई और एलिवेटेड रूफ है और इसके ऊपर एक टावर बनाया गया है जिसमें अमूमन बेल भी होती है। मेरे लेफ्ट और राइट पे ऊपर जाने के लिए ख़ास सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो इस टावर को ऊपर तक अप्रोच करने के लिए यहाँ पे बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस चर्च की एंट्रेंस के साथ ही विजिटर्स बुक भी रखी गई है। जो नए लोग इस चर्च के विज़िट के लिए आते हैं वो इस बुक में अपना नाम और अपने कमेंट्स देते हैं कि उनको ये चर्च कैसे लगा। आइए हम इस चर्च के मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं और आपको मज़ीद खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं जो अपनी तारीखी अहमियत के हवाले से भी बड़ी अहम हैं। आइए मेरे साथ। मैं सेंट जॉन्स चर्च के मेन हॉल में आ चुका हूँ। आप एंट्रेंस के बिल्कुल दाईं जानिब देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बैप्टिज्मल फाउंट बनाया गया है जिसमें बच्चों को बैप्टिज्म दिया जाता है, नौमौलूद बच्चों को। आप इसको देख सकते हैं कि ये 8 कॉर्नर बनाया गया है, ये फुली मार्बल से कंधा किया गया है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत 4 पेटल लीफ डिज़ाइन है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब क्रॉस की फॉर्म बनाई गई। व्यूअर्स, मैं इस वक्त इस चर्च की नेव में मौजूद हूँ। इस चर्च की आयल्स की ये ख़ास बात है कि बाकी चर्चेज में हम देखते हैं मेन चर्चेज में आयल्स चर्च के इनसाइड होती हैं, लेकिन इस चर्च की एंट्रेंस के लिए आयल्स बाहरी जानब बनाई गई हैं जहां से लोग इस चर्च में लेफ़्ट और राइट से दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि इस चर्च के बेंचेस, इस पे भी 4 पेटल लीफ का डिज़ाइन बना है और इसकी ख़ास बात है ये कि सॉलिड लकड़ी से बनाया गया है और ये उसी वक्त के बेंच हैं जिस वक्त का ये चर्च है। और अगर इस चर्च के बेंच की बात करें तो इसका वज़न 3 से 4 मन है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए 3 से 4 बंदों का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप इस चर्च की छत देखें, छत भी उसी दौर की पुरानी छत है जो कि नियोगोथिक और फ्रेंच तर्ज तामीर को मिलाकर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत छत है, पुरानी लकड़ी है जिसमें फ्लाइंग बटरसेस हैं और इसके साथ साथ आप लेफ़्ट और राइट में देखें कि एक लोड बेरिंग कॉलम्स भी बनाए गए हैं जो कि वॉल्स के अंदर मर्ज किए गए हैं। लेफ़्ट और राइट पर मज़ीद आर्चेस बनाई गई हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं, जिनमें इस चर्च की तामीर में देखते हैं कि कुछ ऐसी आर्चेस भी हैं जो कि 4 आर्चेस हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि वो 4 गॉस्पल को थियोलॉजिकली बयान करती हैं जो कि
انجیل مقدس میں بتائی گئی ہیں، اناجیل اربع کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی آرچز ہیں جس طرح کی ونڈوز ہیں، اس میں تین آرچز ہیں، ایک ہی آرچ مین آرچ میں تین آرچز ہیں جو کہ ٹرینیٹی کا نشان بھی ہے۔ ویورز، میری بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماربل کا خوبصورت لیکٹرن اریکٹ کیا گیا ہے۔ یہ ان 35 سولجرز کی یاد میں بنایا گیا تھا جو کہ 7 جولائی 1857 کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس کو اس وقت بنایا گیا 24 دسمبر 1936 کو، ان کی یاد میں ان کے دوستوں اور عزیز و اقارب نے اس لیکٹرن کو ان کی یاد میں یہاں پہ بنوایا تھا۔ ویورز، آلٹر کی دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ایلیویٹڈ لیٹرن موجود ہے، جس میں آ کر پادری صاحب مختلف تقریبات جیسے کرسمس اور ایسٹر کے دوران چرچ کانگریگیشن سے خطاب کرتے ہیں، سرمن سناتے ہیں، اور بالکل اسی طرح یہ بھی ایلیویٹڈ فارم میں بنایا گیا ہے تاکہ پادری صاحب بھی چرچ میں بیٹھے ہوئے آخر تک بیٹھے ہوئے آڈینس کو دیکھ سکیں، اور چرچ کے کانگریگینٹس بھی ان کو پورے طور پر دیکھ سکیں اور ان کی بات غور سے سن سکیں۔ سینچوری میں ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نایاب اور پرانا پائپ آرگن رکھا گیا ہے۔ یہ بالکل اصلی پائپ آرگن ہے جو کہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ چرچ ہے۔ کافی عرصہ تک اس چرچ میں بجتا رہا، لیکن کیونکہ اس کی مینٹیننس کے لیے اب کچھ لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ اس کو مینٹین کر سکیں، لیکن اس کی کیز ابھی تک ویسی کی ویسی ہیں، اور اس کی مشینری بھی ابھی تک ویسی کی ویسی ہے جو کہ ابھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے۔ چرچ میں ورشپ کے لیے کچھ جدید آلات استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ہارمونیم ہے، کانگو ہے، اور اس کے علاوہ طبلے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ آرگن ابھی اس چرچ میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ ویورز، اس وقت میں سینٹ جانز چرچ کی آلٹر کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، اور آپ آلٹر کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سادہ انداز میں بنائی گئی ہے، کیونکہ ایک ووڈن آلٹر ہے، اس کے اوپر پوائنٹڈ آرچز بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک کتاب مقدس ہے، یعنی کہ ہولی بائبل ہے، جو کہ اس وقت اس چرچ میں رکھی گئی جس وقت بشپ آف مدراس 1857 میں اس کی تقدیس کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس خوبصورت کتاب کا نظارہ کرواتے ہیں جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کے پیپر بھی بالکل اچھی فارم میں ہیں، اور یہ بائبل مقدس کا نسخہ انگلش زبان میں تحریر کیا گیا، اور جو کہ اس وقت صرف اسی چرچ میں موجود ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا پروگرام سینٹ جان چرچ جہلم کینٹ پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس چرچ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں کافی آگہی حاصل ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چرچ میں موجود قیمتی نوادرات اور تبرکات کے بارے میں بھی آپ نے جانا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Keep watching Discover Pakistan, sabse pyara Pakistan.